तुम ऐसा काम करो लोग कहें भाई तू रहने दे हम कर लेंगे। हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। आजकल के डबल मीनिंग जोक्स और बेसर पैर की फूहड़ कॉमेडी से पहले अपने साफ सुथरे जोक्स के जरिए लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव आज सभी को रुलाकर चले गए। नमस्कार, मेरा नाम है प्राची, आप खोल चुके हैं न्यूज डिकी। बचपन का नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। बचपन से ही राजू को अपनी हाजिर जवाबी के लिए तारीफें मिलती थी। स्कूल में उन्हें मिमिक्री के लिए जाना जाता था। वो टीचर से काफी अच्छी मिमिक्री करते थे और स्कूल टीम के मैचेस के लिए भी कमेंट्री किया करते थे। वो पूरे स्कूल में छाए रहे, जिसके बाद धीरे धीरे उन्हें अपनी मिमिक्री के लिए लोकप्रियता मिलने लगी। उन्होंने काफी सारे शादी इवेंट्स, कई सारे बर्थडे पार्टीज में मिमिक्री करके दिखाई, जिसके बाद वो पूरे कानपुर में काफी मशहूर होने लगे। शोले फिल्म देखने के बाद राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर से इतने ज्यादा इंस्पायर हुए कि उनकी मिमिक्री करने लगे, जिसके बाद जब वो एक दिन एक इवेंट में उनकी मिमिक्री कर रहे थे तो उन्हीं ऑडियंस में से एक आदमी उठकर आए और उन्हें 50 रुपए दिए। पहले तो राजू को लगा कि ये पैसे उन्हें ऐसे ही मिले हैं। जब राजू वो 50 का नोट उस व्यक्ति को वापस लौटाने गए तो उन्होंने कहा कि तुमने आज पार्टी में बहुत अच्छा एंटरटेन किया, ये तुम्हारा मेहनताना है। इस दिन के बाद राजू ने कॉमेडी को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाने का ठान लिया। उसी दिन घर में बिना बताए वो मुंबई के लिए निकल गए। मुंबई में उन्होंने काफी छोटे मोटे कॉमेडी शोज किए, जिसके बाद उन्हें एक कॉमेडी का फुल टाइम प्रोग्राम मिला जिसका नाम था टी टाइम एंटरटेनमेंट। उसमें राजू का पूरा रोल था। राजू ने कई सारी बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया, जैसे कि मैंने प्यार किया, तेजाब, बाजीगर, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, जर्नी बॉम्बे टू गोवा, आमंदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। इसके बाद राजू श्रीवास्तव की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसके बाद भारत का बच्चा बच्चा राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी को जानने लगा। 2005 में सावन पे आया ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसमें जब राजू श्रीवास्तव को बुलाया गया तो उन्हें लगा कि उन्हें एज अ जज बुलाया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम तक राजू काफी मशहूर हो चुके थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें एज अ कंटेस्टेंट बुलाया जा रहा है तो राजू ने साफ मना कर दिया। डायरेक्टर के बार बार इंसिस्ट करने पर राजू ने इस शो के लिए हाँ की। राजू श्रीवास्तव इस शो के विनर तो नहीं बन पाए, लेकिन सेकेंड रनर अप बनने के बाद इस शो को सिर्फ राजू श्रीवास्तव के लिए ही याद किया जाता है। इसके बाद राजू ने कई सारे कॉमेडी शो में काम किया, जैसे कि कॉमेडी का महामुकाबला, कॉमेडी सर्कस। इसी के साथ उन्होंने रियलिटी शोज में भी काम किया, नच बलिए सीजन 6, बिग बॉस सीजन 3। राजू श्रीवास्तव अपने गजोदर भैया के किरदार के लिए भी काफी जाने जाते थे। उनकी ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी ही मशहूर थी, क्योंकि वो आम लोगों के जीवन पर कॉमेडी किया करते थे। वो निर्जीव वस्तुओं की भी कॉमेडी किया करते थे, जैसे कि पंखे, ट्यूबलाइट एटसेट्रा। राजू ने 2014 में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन 10 मार्च 2014 को ही समाजवादी पार्टी को छोड़ भी दिया। उसके बाद ही उन्होंने 19 मार्च 2014 में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी के स्वच्छ भारत अभियान के राजू श्रीवास्तव ब्रांड एम्बेसडर भी बने। 10 अगस्त 2022 को दिल्ली में जिम में वर्कआउट करते वक्त उन्हें चेस्ट पेन महसूस हुआ, जिसके बाद कार्डियक अरेस्ट के चलते उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स में उनकी एंजियोप्लास्टी भी कराई गई। कई सारी सर्जरीज के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी हालत क्रिटिकल ही बनी रही। 42 दिन के लंबे संघर्ष के बाद, लगभग 6 हफ्तों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद आज 21 सितंबर सुबह 9:30 बजे उनके निधन की खबर आई। राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार कल 22 सितंबर को सुबह 9:30 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट में किया जाएगा, जिसमें उनकी वाइफ शिखा श्रीवास्तव के साथ साथ उनके बेटे, बेटी, उनके रिश्तेदार और कई मिलने वाले भी शामिल हो सकते हैं। राजू श्रीवास्तव की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी, कई राजनेताओं और व्यक्तियों ने शोक जताया है। राजू श्रीवास्तव कॉमेडी का वो चमकता सितारा थे जिनके जाने के बाद इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा।